कक्षा 11 की बात है कि मैं कंकाल तंत्र बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था। काफी प्रयास किया, बच्चे हड्डी की संरचना है, उसकी स्थिति है, उसकी संख्या है, उसके बारे में काफी कंफ्यूज हो रहे थे। उसके पश्चात में उन्हें सीधा हमारी जो आईसीटी लैब है उसमें लेकर के गया, और संजोग से मेरे पास एनसीईआरटी द्वारा तैयार कंकाल तंत्र का एक वीडियो भी था। बच्चों को मैंने वीडियो दिखाया, मैंने कहा आप ध्यान से देखें और कॉपी में लिखते रहें कि कौन सी हड्डी की संख्या कितनी है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनकी संरचना कैसी होती है। हर हड्डी के बारे में आप दो दो तीन तीन शब्द, दो दो तीन तीन लाइनें आप अवश्य लिखें। और उसका यह प्रभाव रहा कि जो सम प्रत्यय उनको कक्षा कक्ष में समझने में कठिनाई हो रही थी, वही चीज उनको बड़ी आसानी से समझ में आई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार टेक्नोसाला फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आप देख रहे हैं डिजिटल टीचर कहानी नामक शो। इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से नरेंद्र जी। नरेंद्र जी अभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराज की खेड़ी उदयपुर जिले में एक व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। तो आइए जानते हैं नरेंद्र जी ने कैसे शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत अच्छे सर। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि एक विद्यार्थी से लेके एक अध्यापक का जो सफर है वो किस तरीके से रहा? सर, विद्यार्थी जीवन से ही मेरा शुरू से ही पठन पाठन तथा लेखन में काफी रुचि रही है। मैं प्रारंभ से ही चाह रहा था कि टीचिंग लाइन में जाऊं, और इसके लिए एमएससी जीव विज्ञान में मैंने 1989 में कंप्लीट कर ली, और उसके बाद पीएचडी के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य ही रहा कि एक साल के बीच में ही मेरे पिताश्री का अचानक स्वर्गवास हो गया, असामयिक निधन हो गया, और उसके कारण मुझे पीएचडी का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा और मैंने बीएड कोर्स ज्वाइन किया। बीएड करने के पश्चात 1992 में मुझे राजकीय सेवा में कार्य करने का मौका मिला। एक अजीब संयोग ही था कि राजकीय सेवा में रहते हुए मुझे जिला कंप्यूटर कक्ष में प्रशिक्षण के लिए, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, और मेरी कंप्यूटर जब मैंने पहली बार वहां देखा तो मुझे काफ़ी उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, और मैं सवेरे 9 बजे से शाम को 9 बजे तक उस पर लगा रहता था। जो भी काम देते, मेरी रुचि को देखते हुए मुझे वहाँ के अधिकारियों ने कार्य मुक्ति ही नहीं किया और वहीं के लिए मुझे रख दिया, और वहीं पर मुझे सॉफ्टवेयर विजुअल फॉक्स प्रो में सॉफ्टवेयर बनाने का मौका मिला, और जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग तथा विद्यालयों के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने लगा। इसके लिए मैंने शिक्षक भर्ती का, शिक्षक स्थानांतरण का, और जिला प्रशासन के विभिन्न जो सॉफ्टवेयर थे वो तैयार करने लगा। उसके पश्चात 1997 में मुझे सेकंड ग्रेड साइंस टीचर के रूप में मुझे नियुक्ति मिली। उसके पश्चात विद्यालय में मैंने विज्ञान की पढ़ाने के प्रति ध्यान दिया, और बच्चों को काफ़ी, एक आदिवासी क्षेत्र था जहां पर मुझे कार्य करने का मौका मिला। तो आप तो विज्ञान विषय के अध्यापक थे, तो फिर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आपका संबंध बना, कैसे जुड़ाव हुआ? जी, यह भी एक लंबी कहानी है इसके पीछे। जैसा कि मैंने पहले बताया सर कि 1992 में हमारी नई नई पोस्टिंग हुई थी, और उसके ग्रीष्मावकाश में हमें प्रशिक्षण के लिए जिला कंप्यूटर कक्ष में बुलाया गया, कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए। और पहली बार हमने कंप्यूटर देखे वहां पर, और कंप्यूटर पर कार्य करने का मौका मिला। काफी रुचि उसके अंदर पैदा हुई, और मेरी रुचि को देखते हुए वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने मुझे कार्यमुक्त नहीं किया, बाकी सभी शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया, लेकिन मेरी सेवाएं उन्होंने अधिग्रहित कर ली और वहीं पर रखकर मुझे कंप्यूटर की और शिक्षा प्रदान की। और हमारे जो अधिकारी थे वो काफ़ी अच्छे गुणी थे, और उन्होंने मुझे विजुअल फॉक्स प्रो में प्रोग्रामिंग करनी सिखाई, और उसी प्रोग्रामिंग के बल पर काफ़ी लंबे समय तक जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, विद्यालय में अपनी सेवाएं कंप्यूटर क्षेत्र में देने लगा। और धीरे धीरे जब 2005 में मैं एसआईआरटी में मेरा जब चयन हुआ, तो वहां पर भी मुझे एजुसेट कंप्यूटर लैब का प्रभारी बनाया गया।
और वहां रहते हुए ई कंटेंट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। और उसके बाद 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे और करते करते 12 घंटे का मैंने ई कंटेंट तैयार कर दिया। यह राजस्थान में शायद पहला था इस तरह का ई कंटेंट निर्माण करने का कार्य, और वह कार्य मैंने अपने हाथ में लिया। मेरे पास कंप्यूटर की जानकारी तो काफी हो गई थी, लेकिन मेरे पास कोई वैधानिक डिग्री नहीं थी। मेरे मन में एक थोड़ी सी टीस थी कि एक डिग्री भी होनी चाहिए, और मैंने 2010 में फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की तैयारी शुरू की, और 2 साल में मैंने ये एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी प्राप्त कर ली। और इस तरह से टेक्नोलॉजी की ओर मेरा थोड़ा रुझान बढ़ा। सर, आप अपनी कक्षा में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? जी, सर्वप्रथम तो जो विषय वस्तु मुझे पढ़ानी होती है उससे संबंधित ई कंटेंट या तो मेरे पास पहले से ही संग्रहित होता है, मेरे पास जो पूर्व का जो ई कंटेंट है उसी में मैं तलाश करता हूँ। कुछ ई कंटेंट की सूची मेरे पास बनी हुई होती है तो उसमें से मैं अपना ई कंटेंट ले लेता हूँ। नहीं होता है तो मैं यूट्यूब से भी कुछ ई कंटेंट या वीडियो उस टॉपिक से संबंधित पूर्व में ही डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार करता हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से पढ़ाने में थोड़ी सरलता रहती है, बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहता है। बीच बीच में मैं वीडियो यूट्यूब भी बता देता हूँ, बच्चों को वीडियो भी दिखाता हूँ। ये देखा गया है कि बच्चों का इंटरेस्ट जीव विज्ञान विषय यदि ई कंटेंट के साथ पढ़ाया जाए तो काफी रुचिकर बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो वीडियोस हैं वो काफी अच्छे बने हुए हैं, यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, शिक्षा पोर्टल पर भी मिल जाते हैं, और कुछ हमारे द्वारा तैयार किए हुए भी हैं। तो वह कक्षा कक्ष में जब बच्चों को मैं दिखाता हूँ तो बच्चों को बड़ा मजा आता है। उसके बाद यूट्यूब उनको दिखाने के बाद उनका फीडबैक भी लेता हूँ कि उन्होंने क्या सीखा आज के इस यूट्यूब के अंदर। और इसके अलावा उसके अंदर कुछ गतिविधियां भी होती है करने के लिए, जो उन बच्चों को मैं करने के लिए देता हूँ। दूसरे दिन उनसे पूछता भी हूँ कि आपने क्या इसके अंदर ये गतिविधि कैसे की, क्या किया। तो एक ग्रुप डिस्कशन भी उसके बाद होता है। तो ये देखा है मैंने कि YouTube से देखने के बाद बच्चों में जब हम डिस्कशन कराते हैं तो काफी अच्छी बातें निकल करके आती है, और उसका जो फीडबैक हमें मिलता है वो भी काफी सकारात्मक मिलता है। तो कोई अनुभव सर कि आप किस तरीके के टॉपिक के लिए किस तरीके के कंटेंट आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो किस तरीके के कंटेंट आप अपनी प्रेजेंटेशन में लेके आते हैं और क्या कंटेंट होता है उसमें? मतलब प्रेजेंटेशन भी बनाए तो आप सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ पाठ्य विषय वस्तु से संबंधित कुछ कंटेंट लिखते हैं, या फिर क्या होता है उसमें? वीडियो होता है या ऑडियो होता है, कैसे? सर, एक्चुअल में जैसे विषय वस्तु होती है उसको आधार में रखते, उसको ध्यान में रखते हुए ही ई कंटेंट का चयन करना होता है। कुछ ई कंटेंट इस तरह से, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब मैं तैयार करता हूँ तो उसमें ये ध्यान रखता हूँ कि पूरी पूरी पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर लाने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेन जो इसके बिंदु हैं और उसको किस तरह से हम रेखा चित्र के माध्यम से या किस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं, वही चीजें मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लाने का प्रयास करता हूँ। बीच बीच में फोटोग्राफ्स में ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि जीव विज्ञान में मैंने देखा है कि फोटोग्राफ से बच्चों का सीखना ज्यादा होता है। तो मेरे ई कंटेंट में फोटोग्राफ्स ज्यादा होते हैं, मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फोटोग्राफ्स ज्यादा होते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का जो कलर फॉर्मेशन है वो भी मैं काफी ध्यान रखता हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। जो बच्चों को मैं लिखवाना चाहता हूँ इस तरह की एक समरी भी मैं तो उसके अंदर तैयार करता हूँ, ताकि मेरे पढ़ाने के पश्चात एक थोड़ा सा समरी उन बच्चों को मिल जाए ताकि वो अपनी नोटबुक में उतार लें। तो उसका भी मैं काफी उसके अंदर ध्यान रखता हूँ। फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी ही रखता हूँ, क्योंकि बच्चे क्लास बड़ी है तो पीछे तक बच्चे आराम से देख सके। वॉइस का थोड़ा ध्यान रखता हूँ। तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए ही बनाता हूँ। जैसे एक मैं बताना चाह रहा था कि कक्षा 11 की बात है कि मैं कंकाल तंत्र बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था। काफी प्रयास किया, बच्चे हड्डी की संरचना है, उसकी स्थिति है, उसकी संख्या है, उसके बारे में काफी कंफ्यूज हो रहे थे। उसके पश्चात में उन्हें सीधा हमारी जो आईसीटी लैब है उसमें लेकर के गया, और संजोग से मेरे पास एनसीईआरटी द्वारा तैयार कंकाल तंत्र का एक वीडियो भी था। बच्चों को मैंने वीडियो दिखाया, मैंने कहा आप ध्यान से देखें और कॉपी में लिखते रहें,
कि कौन सी हड्डी की संख्या कितनी है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, उनकी संरचना कैसी होती है। हर हड्डी के बारे में आप दो दो तीन तीन शब्द, दो दो तीन तीन लाइनें आप अवश्य लिखें। और उसका यह प्रभाव रहा कि जो सम प्रत्यय उनको कक्षा कक्ष में समझने में कठिनाई हो रही थी, वही चीज उनको बड़ी आसानी से समझ में आई। और बाद में जब उनसे मैंने प्रश्न पूछे तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ज्यादातर बच्चों ने बड़े ही सहज भाव से संख्या भी बताई, उनकी पोजीशन भी बताई और उनकी संरचना के बारे में भी मुझे जानकारी दी। तो ये थोड़ा सा एक ई कंटेंट का प्रभाव था जो मुझे काफी अच्छा लगा। और उसके बाद तो फिर मैंने ठान ही लिया कि अब जो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको आईसीटी लैब में ले जाकर ही पढ़ाया जाए। और अभी तक ये कार्य जारी है, अब ज्यादातर टॉपिक मेरे आईसीटी लैब में ही होते हैं। तो सर, जो प्रयोग आप अपनी कक्षा में कर रहे हैं, क्या आपको इस तरीके के मौके मिले हैं कि आप बाकी शिक्षक साथियों तक पहुंचा सके अपनी जो प्रयोग आपने किया है उनको? तो अगर मिले हैं तो किस तरीके के मौके आपको मिले हैं? जी सर, जब मैंने यह प्रयोग, जब हमने कक्षा में, जब मैंने कंकाल तंत्र की ये सारी घटनाएं, जब मैंने अपने मध्यांतर में अपने शिक्षक साथियों को मैंने बताई कि जो चीज मैं क्लासरूम में अच्छी तरह नहीं बता पा रहा था, और ई कंटेंट के इस वीडियो को मैंने दो बार दिखाया और शिक्षक बच्चों को दिखाया, और बच्चों ने मेरे सारे प्रश्नों के अच्छी तरह से जवाब दिए, तो कुछ साथियों ने भी हिम्मत बंधी और उन्होंने भी अगले दिन एक टॉपिक लेकर के वो आईसीटी लैब में गए और उन्होंने भी ये प्रयोग करके देखा। तो मुख्य रूप से हमारे गणित के जो टीचर थे उनका इंटरेस्ट सबसे पहले इसमें क्रिएट हुआ, और उन्होंने जा करके बच्चों को आईसीटी लैब में ले जा करके और वीडियोस के माध्यम से जब समझाया, तो उसका रिजल्ट जब सकारात्मक आया तो उन्होंने भी जब मेरे बात में सहमति जाहिर की, वास्तव में आईसीटी का प्रयोग करने से शिक्षण में काफी प्रभाव पड़ता है। और जो आईसीटी लैब मेरे हमारी सुनी रहा करती थी, जिसमें कभी कभी ही कोई प्रवेश करता था, उसके पश्चात आज काफी बिजी रहती है, तो नंबर लेना पड़ता है कि आज कौन लेसन लेगा, कल कौन लेगा। तो ये आईसीटी का ही प्रभाव है। और धीरे धीरे उनको भी महसूस होने लगा कि वास्तव में शिक्षा में अगर अपन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें शिक्षण में, तो काफी उसका प्रभाव पॉजिटिव ही आता है। तो धीरे धीरे अब हमारी छोटी कक्षाओं के जो टीचर्स हैं, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, वे भी इस तरफ बढ़ रहे हैं, वे भी प्रयास कर रहे हैं सर। दीक्षा पोर्टल पर काम करने का भी एक सुनहरा अवसर हमें मिला था। उस समय हमें ऑनलाइन कोर्सेस, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कोर्सेस तैयार करने के लिए हमें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम SIRT और समसा द्वारा आयोजित किया गया, और उसके अंदर हमने शिक्षकों के लिए एक ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का एक अच्छा सा कार्यक्रम हमने तैयार किया, और वो कार्यक्रम सबको काफी पसंद आया और उसको हमने दीक्षा पोर्टल पर अपलोड भी किया। उसके अंदर कुछ कमियां भी रही, रिव्यूज भी काफी अच्छे मिले, और उसको काफी संशोधित करके पुनः हमने दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया। शिक्षकों ने उसको देखा, काफी अप्रिशिएट किया, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और भी कंटेंट की डिमांड आने लगी कि आप बनाए, काफी अच्छा हमें लगा, और इस तरह से हमारी जर्नी चल पड़ी और हमने ई कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर डालना शुरू कर दिया। तो अभी हमारे कक्षा 9 से 12 के जो वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता हैं, उनके लिए भी हमने 3 ऑनलाइन कोर्सेस तैयार किए हैं, और चौथा कोर्स हम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें हमारे राज्य के सभी व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक उस प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं। सर, इसके अलावा आपने पाठ्य पुस्तक जो है या जी पाठ्य विषय वस्तु है उसको आसान और प्रभावी बनाने के लिए और भी अगर आपने कोई प्रयास किए हैं तो वो किस तरीके के प्रयास आपके हैं? जी सर, SIRT में जब था उस समय मुझे कक्षा 6ठी 7ठी 8ठी की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक बनाने का मुझे मौका मिला। तो उस पाठ्य पुस्तक को मैंने बनाते समय ये बात जरूर ध्यान में रखी कि भविष्य में भी जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस पर ई कंटेंट जरूर तैयार करूंगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पाठ्य पुस्तक में काफी स्पेस रखा, काफी प्रयोग को सम्मिलित किया, ताकि शिक्षक ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रयोग करके दिखाएं और बच्चों को भी कुछ करने का अवसर मिले। और दूसरा मौका मुझे मिल गया तत्काल 2006 के अंदर, जब मुझे राजस्थान जो SSA हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान है,
उसकी तरफ से मुझे 2 लाख रुपए का बजट सेंक्शन हुआ कि आप ई कंटेंट बनाए, क्योंकि पूर्व में राजस्थान में इस तरह का ई कंटेंट तैयार नहीं होता, तो इस तरह का पहली बार बजट मुझे जारी हुआ। और उस बजट से मैंने कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान एवं गणित के हार्ड स्पोर्ट्स का चयन किया सर्वप्रथम, और उन हार्ड स्पोर्ट्स में भी ऐसे बिंदु देखे जिन पर बहुत अच्छा ई कंटेंट बन सकता था, उन बिंदुओं पर ई कंटेंट बनाना शुरू किया। ई कंटेंट बनाते समय मैंने ये बात जरूर ध्यान रखी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयोगों को सम्मिलित कर सकूं, ताकि शिक्षक भी जब इन प्रयोगों को देखें या बच्चे इन प्रयोगों को देखें तो अपने घर पर उन प्रयोगों को करके देखें। प्रयोग करने के लिए भी मैंने ऐसी सामग्री का ही चयन किया जो अपने आसपास के परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी सामग्री से मैंने बच्चों को प्रयोग करना उस ई कंटेंट में मैंने सिखाया। और जब बच्चे का यह ई कंटेंट जब मैंने बच्चों को दिखाया तो वास्तव में उसका प्रभाव मुझे अगले ही दिन नजर आ गया कि बच्चे घर से कुछ करके लाए थे, वो मुझे दिखा रहे थे, सर ये देखो आपने वो कल बताया था। मैंने उनको नहीं कहा था करना है, लेकिन वो बच्चे स्वयं करके जब लाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा प्रयास सफल हुआ। मैं मेरे ई कंटेंट में फोटोग्राफ्स ज्यादा से ज्यादा डालता हूँ और कुछ आसपास के परिवेश से संबंधित चीजों को ज्यादा डालता हूँ ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत नहीं है। भाषा बहुत ही सरल सहज रखता हूँ ताकि बच्चे, और रुचिकर बनाता हूँ ताकि बच्चे ई कंटेंट से जुड़े रहें, बीच में छोड़े नहीं। एक ई कंटेंट मैंने डीजी फेस्ट जो राजस्थान में एक बहुत बड़ा लेवल कह सकते हैं उसके अंदर मैंने अपना एक ई कंटेंट भेजा, गणित का ई कंटेंट था, एक बहुत ही छोटा सा ई कंटेंट, लेकिन उस जूरी को वो ई कंटेंट बड़ा ही पसंद आया और राजस्थान स्तर पर उसे द्वितीय पुरस्कार मिला और माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने फिर मुझे अवार्ड देकर भी सम्मानित किया। तो ये मेरी जो मेहनत थी काफी सफल हुई, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि बच्चों को पसंद आया, तो मेरा ई कंटेंट बच्चों को पसंद आया, ये बड़ी खुशी हुई। तो सर कोई ऐसे भी अनुभव रहे हैं आपके इस अध्यापन काल में कि आपको बच्चों के साथ काम करते हुए ये लगा कि मुझे भी अब और सीखने की जरूरत है? जी सर, आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि अब मुझे निरंतर सीखते रहना है, अब मुझे बीच में नहीं रुकना है। बहुत सारी नई बातें हैं, कुछ सारी वीडियो को बहुत अच्छा किस तरह बना सकते हैं, ऑडियो को किस तरह अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चे जो है खुद आगे बढ़ करके बताते सर ऐसा कर लेंगे तो ये काफी अच्छा हो सकता है। तो अब ये लगने लगा है कि हमें नित नई बातें सीखते रहना है, इसमें रुकना नहीं है। नई नई चीजें हमें गूगल पर मिल जाए, जहां भी उपलब्ध हो जाए पढ़ने को, तो हमें निश्चित तौर से पढ़कर अपने नॉलेज को, इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नॉलेज है उसको निरंतर अपडेट करते रहना है। लेकिन सर कंप्यूटर और मोबाइल को लेके कुछ धारणाएं बनी हुई हैं अपने यहाँ पे कि ऐसे बोलते हैं कि बच्चे कंप्यूटर खराब कर देंगे, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, लेकिन आपका क्या मानना है, आपकी क्या सोच है, खुद का क्या ओपिनियन है? जो भी मशीन वैज्ञानिक तैयार करते हैं वो मानव की भलाई के लिए ही होता है, लेकिन अगर उस मशीन का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसके परिणाम भी सकारात्मक नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों को कंप्यूटर से, मोबाइल से का खुलकर उपयोग करने दें, अभिभावक अपने मार्गदर्शन में बच्चों को मोबाइल कंप्यूटर आदि का उपयोग करने दें। उपयोग करने से कोई मशीन खराब नहीं होती है, केवल उसका मेंटेनेंस करें, उसके लिए सावधानियां जरूर उनको बता दें कि भाई इस तरह से इसका उपयोग करना है, अपनी आंखों का भी ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इन सभी बातों की जानकारी बच्चों को दे दें और उसके बाद उनको इसका उपयोग करने दें। निश्चित तौर से बच्चा जब उपयोग करेगा, नई बातें सीखेगा, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ये केवल एक मन की भ्रांति है जिसको हमें दूर करना ही होगा। तो सर अध्यापन कार्य में तो आपने बहुत ही अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने अपने व्यक्तिगत कामों में, पर्सनल कामों में किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और उसने आपकी लाइफ कैसे आसान बनाई है, इसके कोई उदाहरण आप शेयर करना चाहेंगे? जी सर, पहले की समय की बात है, बिजली के बिल जमा कराने की लंबी लंबी लाइनें, पानी का बिल जमा कराना हो या बैंक से पैसे निकालना हो, लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहना पड़ता था। और आज का ये दौर देखिए सर, कि इसमें बिजली का बिल हो, नल का बिल हो, बैंक का कार्य हो, सब घर बैठे ऑनलाइन हो जाता है।
अभी हम जैसे वर्चुअल क्लासरूम की, वर्चुअल मीटिंग की बात करते हैं, बिना समय व्यर्थ किए, बिना यात्रा किए दो अलग अलग स्थानों पर बैठकर हम आराम से मीटिंग कर पाते हैं, प्रशिक्षण भी अब ऑनलाइन होने लग गए हैं, तो व्यक्तिगत जीवन में भी काफी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम, उससे हम कोई भी एड्रेस हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग बढ़ता ही चला जा रहा है और इसने वास्तव में हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया है। तो सर काम के साथ साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि इन सब को करते हुए आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। जी सर, अब उपलब्धियों के बारे में काफी लंबी फहरिस्त है। सर्वप्रथम तो तीन ट्रेनिंग पैकेज, जब 2005-2006 का समय था उस दौरान ये इस तरह वीडियो तैयार नहीं हुआ करते थे, तो मैंने तीन प्रशिक्षण पैकेज, तीन तीन घंटे के प्रशिक्षण पैकेज तैयार किए, क्योंकि वार्ताओं के लिए SIRT एक प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट था और वहां पर वार्ताकारों को बुलाया जाता था प्रशिक्षण देने के लिए। कभी कभी वार्ताकार नहीं, समय पर नहीं आ पाते थे और संभागियों को बैठा रहना पड़ता था। उसके लिए मैंने सर्वप्रथम प्रयास किया कि जो अच्छे वार्ताकार थे उनको मैंने अपनी कंप्यूटर लैब में बुला करके उनकी वार्ताओं को रिकॉर्ड किया। तो सभी अच्छे जो वक्ता थे उन सबकी वार्ताओं को रिकॉर्ड करके रख दिया। जिस प्रशिक्षण में कोई वार्ताकार लेट हो जाता है, नहीं पहुंच पाता, तो उस समय मैं अपना वीडियो प्रारंभ कर देता और हमारे संभागियों को वो वीडियो देखने में काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वो वीडियो बनता था। तो इस तरह से एक तीन तीन घंटे के तीन प्रशिक्षण पैकेज उस समय तैयार किए। उसमें एक तो BO से होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए तैयार किया। एक हमारे स्कूल के जो संस्था प्रधान होते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो संस्था प्रधान है, उनके लिए एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया। इसके अलावा डाइट के अंदर जो नई फैकल्टी आती है उनके लिए भी एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया। तो ये सारे प्रशिक्षण पैकेज तीन तीन घंटे के थे। इसके पश्चात गणित और विज्ञान, इन दोनों विषयों में जो भी काठिन्य बिंदु थे, हार्ड स्पोर्ट्स थे, उनकी एक सूची तैयार की और उस सूची को ध्यान में रखते हुए काफी ही कंटेंट तैयार किया, उनकी सीढ़ियां तैयार की, विद्यालयों में वितरित की ताकि बच्चे उससे लाभान्वित हो सके। 2015 की बात है सर कि हमारे विद्यालय में नई नई ICT लैब का प्रस्ताव आया और उस ICT लैब के लिए कुछ बजट का प्रावधान भी था। हमारी जो प्रिंसिपल महरम थी वो भी काफी युवा थी, वो भी चाहती थी कि हमारी जो ICT लैब बने वो नंबर 1 बननी चाहिए। मेरा पुराना अनुभव भी काम आया इसमें और वो वास्तव में जो ICT लैब तैयार हुई उसी बजट में, तो वो हमारे पूरे भिंडर ब्लॉक के लिए एक मिसाल बन गई। और हमारे जो CBO साहब थे, जो हमारे अधिकारी, जब लैब देखने आए तो वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि आसपास के सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को कहा कि आप इस विद्यालय में जाएं, वहां की लैब देखें, वहां ये भी देखें कि ICT का उपयोग किस तरह वहां शिक्षक करते हैं, क्योंकि अन्य विद्यालयों में भी ICT लैब थी लेकिन वो बंद पड़ी थी, ताले लगे हुए थे, लेकिन हमारी लैब को जब उन्होंने देखा तो सभी प्रिंसिपल्स को उन्होंने आदेशित किया कि एक बार उस विद्यालय की लैब का अवलोकन करें और देखें कि किस तरह वहां पर शिक्षक ICT का प्रयोग शिक्षा में कर रहे हैं। इसके अलावा ये तीन प्रशिक्षण पैकेज जो अभी तैयार किए हमने कक्षा वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के लिए, जिससे हमारे पूरे राज्य के सेकेंड ग्रेड टीचर और लेक्चरर्स लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा गतिविधि आधारित, मैंने जैसे बताया आपको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसके ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जिससे शिक्षक देख करके कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण किस तरह से कराया जाता है, इसके तरीके, इसके क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में काफी विस्तार से उसके अंदर मैंने समझाया भी है। और टेक्स्ट बुक जो है, कक्षा 6, 7, 8 की जो टेक्स्ट बुक है वो इस जो चल रही है राज्य के अंदर, उसको भी मैंने तैयार किया था। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण के जो भी मॉड्यूल बनते हैं साइंस के राज्य स्तर के लिए, वो सारे मॉड्यूल बनाने का भी मुझे सुअवसर मिलता है। इसके अलावा स्टेट रिसोर्स पर्सन, यानी विज्ञान के लिए जो राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में मैं निरंतर अपनी सेवाएं दे रहा हूं और राज्य के लिए की रिसोर्स पर्सन तैयार करता हूं, जो अपने अपने जिलों में जाकर के शिक्षकों को विज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। तो इस तरह से शिक्षा से निरंतर जुड़ा हुआ हूं और जो भी कार्य मुझे दिया जाता है राज्य स्तर पर, तो वो सारा मैं करके उनको लौटाता हूं। सर
आपने जो कार्य किए हैं, इनकी सराहना किस तरीके से आपको मिली है? जी सर, 1997 के अंदर मैंने जिला स्तर के लिए कंप्यूटर एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। इसके तत्काल पश्चात 2002 में पुनः माननीय गृह मंत्री जी द्वारा एक बार पुनः जिला स्तर पर शिक्षा एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मुझे फिर से सम्मानित किया गया। उसके पश्चात जिला स्तर पर 2018 में जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वह मुझे प्रदान किया गया। 2019 के अंदर शिक्षक दिवस के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो सबसे बड़ी खुशी इस सम्मान की नहीं है, बल्कि मन में एक आत्मसंतुष्टि की है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर सका। मेरा पढ़ना सार्थक हुआ, मेरे सभी बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, सभी को डिस्टिंक्शन मिला, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। ये पुरस्कार तो अपने आप मिलते चले जाते हैं सर। तो सर, हमारे शिक्षक साथी जो हैं वो अभी आपको मतलब सुन रहे हैं, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहोगे इस शो के माध्यम से? शिक्षा में जो तकनीक का उपयोग करना है तो शिक्षक अभी काफी घबराते हैं कि यह कुछ नई चीज है, लेकिन मैं उन सभी शिक्षक साथियों को कहना चाहता हूं कि एक बार आप इसका उपयोग करके देखें। पावर पॉइंट में कुछ स्लाइड्स तैयार करें, कुछ वीडियोस डाउनलोड करके अपने शिक्षण के साथ उसको जोड़ें। निश्चित तौर से इसका अच्छा प्रभाव आपको बच्चों में दिखाई देगा, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी। और अभी का जो समय है, जो हमें वर्तमान में कोरोना काल है, जिसमें हम विद्यालय में हम अन्य कार्यों में व्यस्त नहीं हैं, तो ये शुरुआत करने का एक सबसे अच्छा समय है। इस समय हम अपने शिक्षक साथियों से सीखें कि किस तरह पावर पॉइंट में हम स्लाइड तैयार कर सकते हैं, किस तरह हम वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियो को संकलित कर सकते हैं जो अपने विषय वस्तु से संबंधित हैं। तो इस तरह के वीडियोस की सूची तैयार कर लें, उनके लिंक डाउनलोड, उनके लिंक भी आप अपडेट कर लें, अपने तैयार कर लें। कुछ विषय वस्तु पर आप ई कंटेंट यदि बना सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यह समय मैं मानता हूं कि सबसे बेहतर है, इस समय का आप सदुपयोग करें और इस शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस तरह हम अधिक से अधिक कर सकते हैं या अपने शिक्षक साथियों से भी सीखें। और जैसे ही विद्यालय खुले तो हम एक नए नई तैयारी के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत हो। बच्चों को भी लगना चाहिए कि कोरोना में शिक्षकों ने काफी कुछ नया सीखा है और हमें देने के लिए उनके पास कुछ नया है। उन्हें भी लगना चाहिए कि शिक्षक जो अब क्लासरूम में आया है वो अच्छी तरह से टेक्नोलॉजी से लैस होकर के आया है, और जो आशा हम शिक्षकों से कर रहे थे वही हमें अब क्लासरूम में मिल रहा है, तभी हमारा जो ये समय है वो सार्थक हो पाएगा। इस समय का हम सदुपयोग हम कह सकते हैं उसको। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि कैसे नरेंद्र जी जो हैं शिक्षा कार्य में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी तरीके की और भी कहानियां सुनने के लिए टेक्नोशाला का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आप भी अपनी कक्षा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करिए और बनिए डिजिटल टीचर कहानी का हिस्सा। नमस्ते, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले शनिवार को।